हेलो एवर्स, वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविल। तो देखिए, आज हम आपको पूरा फुल कंप्लीट वॉक थ्रू दिखाना चाहता हूँ हमारे कॉलेज का, जिस कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ। तो देखिएगा फुल वीडियो को। एंड यहाँ पर दो एंट्रेंस है, एक जो है बॉयज़ पार्किंग के लिए, एंड यहाँ से जो है स्टाफ कार पार्किंग वगैरह, मतलब बॉयज़ या फिर लेक्चर्स के लिए। और सेपरेट यहाँ पर इस डोर से जो है जो भी चेयरमैन, हमारे चेयरमैन साहब आते हैं, फिर बड़े लोग, एंड जिसके पास कार है तो उनके लिए अलग स्टाफ है। एंड गर्ल्स पार्किंग भी इसी तरफ से आ जाएगा। एंड यहाँ पे और एक डोर है, ओके। एंड यहाँ पे कुछ टॉपर्स है, इसमें तो मैं नहीं हूँ, फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट फिर भी साहब का बहुत आशीर्वाद है, इस कॉलेज का बहुत आशीर्वाद है। पैसे तो बहुत खाए, मतलब नहीं खाए, बहुत कुछ दिया हूँ पैसे तो इस पढ़ाई करने के लिए। एंड यहाँ पर इतना बड़ा सा पार्किंग एरिया, सेपरेट सेपरेट पार्किंग, जैसा स्टाफ पर्पज़ के लिए, फिर नेक्स्ट इधर पार्किंग, बॉयज़ पार्किंग फुल कंप्लीट, जो बाइक है वगैरह। एंड नेक्स्ट यहाँ से मेन एंट्रेंस है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह, और स्पेशली सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्ल्स हो या बॉयज़, बहुत ही सेफ है कॉलेज यहाँ पे, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अभी मैं अंदर कैंपस दिखा दूँगा स्टेप बाय स्टेप, देखते रहेगा पूरा वीडियो को। और जो भी एडमिशन करना चाहते हैं स्पेशली, उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ये देखिएगा, एकदम टोटली एनवायरन फ्रेंडली, ग्रीन, इको फ्रेंडली नेचर, यहाँ का क्लाइमेट इतना मस्त है, बहुत मन लगता है। स्पेशली जब आप रात के समय आते हैं या फिर कॉलेज छूटने के बाद आफ्टर 4 or 5 o'clock, यहाँ पर बोरवेल रिचार्ज सिस्टम, मतलब जो भी बारिश का पानी रहता है ना, यहाँ पे पूरा एकोमलेट होके इधर चले जाता है, वो सिस्टम है, ज़्यादा मुझे याद नहीं आ रहा। तो कौन सा ब्रांच करना वगैरह कुछ भी डाउट रहता आप लोगों के लिए। और हर जगह जगह जो है डस्टबिन भी लगा हुआ है, देख सकते हैं इतना मस्त है, बहुत केयर लिया गया स्पेशली क्लीननेस पर्पज़। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जिस दिन मैं वीडियो ले रहा हूँ ना उस दिन इतना क्लीन था, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। आज मंडे है, बकरीद, यानी कि 12 अगस्त 2019 को ले रहा हूँ ये वीडियो। तो देखिएगा, जस्ट नॉर्मल मैं यहाँ पे आ गया, कॉलेज का याद आ रहा था मुझे, तो देखने को यहाँ पे आया मैं। तो अंदर देखते हैं, अंदर और खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, चलिए देखते हैं अंदर। जो जैसा बताया था, बॉयज़ पार्किंग, गर्ल्स पार्किंग, यहाँ पर जो है गर्ल्स पार्किंग इधर और कार पार्किंग, यहाँ पर जो है कार पार्किंग, एंड फुल सिक्योरिटी पूरा कंप्लीट, जितना भी अंदर है ना वहाँ पर सभी जगह कैमरा लगा हुआ है। तो जो भी बाहर राज्य से जो भी आते हैं उन लोगों के लिए तो फुल बेस्ट है रिसेप्शन, कोई भी नए पर्संस आए तो उनको वहाँ पर साइन करना होता है, या फिर इधर और एक ये फर्स्ट गेट तो पहले मैं दिखाया था, ये अंदर का सेकेंड गेट, अंदर का सेकेंड गेट। सो यहाँ पर भी ये हेक्सागोनल में है, 6 साइड इसका एंगल्स है, 1, 2, 3 शायद ऑक्टागोनल होगा, तो 8 तरफ इनका ओपनिंग रहेगा, मतलब सभी डायरेक्शन में देखेंगे सिक्योरिटी गार्ड रूम। हम एंटर होते हैं मेन यहाँ पर, तो फॉर सिक्योरिटी चेक, विजिटर्स टू मेक एंट्री एट द गेट एंड नेक्स्ट, नो व्हीकल इज़ अलाउड इनसाइड द कैंपस। अभी अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ओके। तो यहाँ पर सिक्योरिटी रूम एंड वहाँ पे चेकिंग रहेगा, और जो भी कुछ हॉस्टल भी इनसाइड ही है, तो हॉस्टल में जो भी चाहिए कुछ वर्क, तो उसके लिए यहाँ पर छोटा सा बाइक्स और इधर कॉलेज बस। एंड मेन थिंग, थोड़ा सा डिसएडवांटेज यही है कि गर्ल्स के लिए जो है हॉस्टल यहाँ पर नहीं है, कंबाइंड नहीं है, उनके लिए अलग हॉस्टल है, जो गुरुद्वारा में एक सेपरेट पोर्शन है, गुरुद्वारा में, गुरुद्वारे के पास ही है, उसी कैंपस में है गुरुद्वारे के पास, यहाँ से 1-2-3 किलोमीटर, शायद 4-5 किलोमीटर होगा, तो उनके लिए फैसिलिटी है कॉलेज बस। एंड यहाँ पर एक ग्रीन, इसमें देख सकते हैं गुरु नानक लिखा हुआ है, सॉरी GNDECB, ओके, उधर ग्रास में लिखा हुआ। एंड नेक्स्ट यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देखिएगा, कीप GNDC ब्यूटीफुल, नीट एंड क्लीन। तो अभी हम एंटर हो गए यहाँ पर, तो इधर ऐसा है जैसा, यहाँ पर मैकेनिकल ब्रांच के लिए कुछ लैब है, ओके, एंड उधर जो है वर्कशॉप का लैब है, जहाँ पर हम घिसाई करते थे लोहे का वो बहुत साल पहले हो गया वो वर्क,
और यहाँ से जो है जो भी बच्चे आते हैं मतलब हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से चले चलते जाने के लिए जगह है। फिर नेक्स्ट इधर से अगर अंदर चेयरमैन साहब आ गए प्रेसिडेंट आ गए तो उनके लिए कार के लिए यहाँ से सुविधा है, तो वहाँ पे भी एक लॉक है। तो ये गार्डन और यहाँ पे जो भी कॉलेज में एडमिशन करेंगे उनके लिए एनसीसी कैडेट यानी कि नेशनल डिफेंस सर्विस, तो मैं भी इस कॉलेज में एनसीसी किया हूँ, एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स, तो मेरा भी 3 साल यहाँ पर वर्क किया हूँ एनसीसी के लिए, वो सर्टिफिकेट है। बट प्रेजेंटली एक अच्छा सा सीखे हम बहुत कुछ सीखा हूँ उससे भी कैंपस वगैरह। तो कैंपस सिलेक्शन की बात आए तो देखिए अब हर कॉलेज में रहता है बट हम भी होशियार रहना पड़ता तभी आपको कैंपस में सेलेक्ट कर सकते हैं जब आप फाइनल ईयर में रहेंगे। एंड इतना बड़ा सा ब्यूटीफुल कॉलेज और स्पेशली डॉग्स के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बिकॉज़ वो है तो आपका ही बेनिफिट है। इतना बड़ा सा गार्डन है तो सांप वगैरह रहते हैं तो आपको डॉग्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए भी काफ़ी सेफ्टी है, जो सांप वगैरह जो भी रहते हैं तो आप बच सकते हैं। एंड स्टेप बाय जाते जाते जो है आपको इस तरह का थॉट्स मिलते हैं, सेट योर गोल्स हाई एंड डोंट स्टॉप टिल यू गेट देयर, एक जुनून भरता है आपके, आग उबलता है जब भी आप पढ़ेंगे तो एक जुनून एक पॉजिटिवनेस इसको किए तो और मस्त दिखता है यहाँ पर। और उधर स्टेयर्स है एंड यहाँ अभी मैं दिखा रहा अभी बहुत बड़ा है यहाँ पर विथ स्पेशली अंदर के अंदर ही एक रनिंग ट्रैक है यानी कि स्टेडियम के जैसा बड़ा सा स्टेडियम, और वो उधर जो है आपका ऑटोमोबाइल्स का ब्रांच है एंड वहाँ पर ऑटो कैड का लैब चल जाता है उधर। एंड इसके पीछे जो है बीएमसीटी लैब, जो भी बिल्डिंग मटेरियल टेस्टिंग लैब, जो भी सिविल के डिपार्टमेंट का लैब्स है इस पोर्शन में चलेगा एंड मैकेनिकल ब्रांच इधर, CSIC जो भी है उनका बिल्डिंग उनका दूसरा वाला ब्लॉक है। अभी हम देख सकते रिशेप योर सेल्फ थ्रू द पावर ऑफ योर विल एंड इधर चेयरमैन साहब का कार यहाँ तक आ जाएगा, आगे अंदर उनके लिए इधर से रास्ता। ओके डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी अच्छे हैं स्टूडेंट्स। तो देखिएगा हरियाली बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मेंटेनेंस एंड स्पेशली बारिश का मौसम में बहुत खूबसूरत दिखता है कॉलेज का कैंपस स्पेशली। एंड यहाँ का सिविल इंजीनियरिंग के बारे में तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग इज़ द बेस्ट वन, मतलब मैं वो किया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, मैं दूसरे के बारे में कुछ जानने का कोशिश नहीं किया तो इसकी वजह से। यहाँ पर ऑफिस है इसी ब्लॉक में, तो ये एंट्रेंस में कैनोपी देखिएगा, फुल वॉक थ्रू दिखाना चाहता हूँ कॉलेज का। एंड इनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, मैडम के प्रेसिडेंट साहब सर भी है, मैडम भी है, उनके वाइफ मिसेस रेशमा कौर जी और जोगा सिंह के बेटे बलबीर सिंह, और हमारा सर एक ओबप्पा सर थे HOD, बहुत ही मस्त एक मतलब इतना मस्त है सर आप यकीन नहीं करोगे, बहुत ही स्वीट हैंडसम और बहुत ही मस्त, उनका पढ़ाने का अंदाज उनका नॉलेज वे ऑफ बिहेवियर बहुत ही बेस्ट था। फिर उन्होंने रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद नेक्स्ट आ गए दूसरा HOD कोरी सर, वो भी है अच्छा ही, बट सभी का एक अलग अलग नेचर रहता है। एंड यहाँ के कॉलेज में सर है हमारे सर जो लेक्चर्स, उन लेक्चर्स के बारे में मैं ज़रूर बता दूँगा। वो जो ट्रैक देख रहे हैं ना पूरा, ये पूरा कंप्लीट फुल बहुत ही बड़ा अराउंड 40-50 एकड़ का ये लैंड है पूरा ज़मीन, यहाँ पर कॉलेज में कैंटीन भी है। एंड वो जो ब्लॉक देख रहे हो हॉस्टल, यहाँ से आप चल सकते हैं, इधर से जाने के लिए रास्ता है, तो स्पेशली बॉयज़ के लिए बहुत ही आसान है। बड़ा सा लैंड है बट टोटल लैंड है बट आपको कन्वीनियंट सब कुछ कन्वीनियंट है यहाँ पे, अंदर जिम फैसिलिटी वगैरह सब कुछ है। एंड यहाँ पर बड़ा सा ट्रैक और इधर इस तरह है जो मैकेनिकल सिविल ब्रांच के लिए, यहाँ से इधर पूरा हम ये यहाँ से ये वाला बिल्डिंग जो दिख रहा है ना सामने वहाँ पे है। एंड बाकी का जो भी सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है वो इसके अंदर से जाना पड़ेगा, अभी फ़िलहाल ये लॉक है। तो देखिएगा यहाँ पर कुछ हमारे उस्ताद जो जिनको जॉब लग गया, जो कैंपस सिलेक्शन में है, गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज विदा और रिसेंट पास आउट स्टूडेंट वर्किंग रेप्यूटेड कंपनीज़,
ऑलरेडी इन लोगों को जॉब लगा है, वो शुभांगी को पहचानता हूँ मैं, आनंद कुलकर्णी को, ये इसी ब्रांच वाले हैं। श्रीनिवास हमारा मेरा क्लासमेट था बच्चा हुआ, मैं जब 12th में था वो मेरा क्लासमेट था, एंड इधर जो है ब्रांच चेंज किया, बस उतना ही फ़र्क है। फिर देखिएगा नेक्स्ट इधर कुछ बच्चे हैं, उनको कैंपस सेलेक्शन, ये कंपनीज ओके, इंफोसिस, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, कैप जेमिनी, हैवेलेट पैकर्ड, IBM वगैरह। एंड को फीस पे करने के लिए दो टाइप का है फीस, यहाँ पर एक्सिस बैंक वाले भी, एक्सिस बैंक का भी एक ब्रांच है एंड दूसरा जो है SBI का भी है, पहले SBM था अभी SBI हो गया है। इधर देखिए कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको कंग्रेचुलेशन कर रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, प्रिंसिपल साहब, वहाँ पर देख सकते हैं आप, बिरादर है उनका नाम, अशोक बिरादर कुछ है शायद। एंड बहुत दिन होने के बाद क्या होता है यार, वो आदमी भूल जाता, सबका नाम याद नहीं रख सकता। एंड ये देखिएगा, फिर चलते हैं यहाँ पर देखिएगा, वहाँ पर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन साइंस, ये चार ब्रांचेस है इस ब्लॉक में। इसमें जब भी आपके एग्ज़ाम चलते हैं, बहुत इधर एग्ज़ाम जो है बहुत ही डिसिप्लिन वे में चलते हैं, एंड पढ़ना कंपलसरी है सभी को। एंड इधर कुछ सॉफ्टवेयर का वैसा कुछ बनाया गया, यहाँ पर भी देखिएगा इस तरह का, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये लॉक है, बट मैं अपना डिपार्टमेंट में लेकर जाऊँगा जहाँ पर मैं पढ़ा था, और मेरा बेंच दिखाऊँगा। आई एम नॉट ए लास्ट बेंचर, ऑलवेज माई फर्स्ट बेंचर था। मैं लास्ट कभी भी नहीं बैठा हूँ, बहुत कम केसेस में, बट मेरे एक तीन दोस्त थे, एक का नाम था रशीद भाई, मनोज और सुरेश, एंड और एक था महेश माशेट्टी, हम तीन जन, चार जन, पांच जन है टोटल फ्रेंड्स मैं मिला को, बट एक जो है बाद में मिल गया, बाकी के चार तीन जन जो है ना बहुत ही मस्त, चार जन आराम से बैठ के, फर्स्ट बेंच हमारा फेवरेट बेंच ही था, फर्स्ट सारे लोग एक साथ बैठते थे, ना कोई कौन सा भी कास्ट का ना प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं, वी आर वन एज लाइक ए स्टूडेंट वर्क किया गया, सभी इसमें हेल्प किया जाते थे, कुछ फंक्शन रहा तो उन्होंने हमें बुलाते थे, कुछ फेस्टिवल रहा तो बुलाते थे, इस तरह का। अभी कुछ वर्क चल रहा है शायद यहाँ पर, यह हमारा ब्लॉक देखने में सिंपल है, यहाँ का कॉलेज के लेक्चर इतना मस्त है आप यकीन नहीं मानोगे। हुगे साहब है जो हमारे बिदर का प्रेसिडेंट है, सभी इंजीनियरिंग के इंजीनियर्स का प्रेसिडेंट है हुगे साहब, और बाकी के प्रकाश पाटिल सर है, सीनियर लेक्चर्स, ऑलमोस्ट एवरीवन सीनियर है, कुछ नए थोड़े हैं, नए सीनियर्स भी आधा है, और बिदर में जिसको भी लोन चाहिए तो SBI बैंक से चाहिए तो वो वाले सर, मनोहर दीक्षित सर है, फिर नेक्स्ट कोरी सर, उन्होंने हमारे HOD और RCC सब्जेक्ट पढ़ाने वाले एक सर है, उनका नाम याद नहीं आ रहा यार कुछ, और फेस स्ट्रक्चरल एनालिसिस वगैरह। मैं जिस क्लास में बैठता था ना वो ये वाला था, रूम नंबर 27, बहुत ही एक सुकून पल था, यहाँ पर मैं बीता हूँ, आई ऑलवेज मिस दिस, यहाँ से एंट्रेंस था, इधर मैं बैठता था, ये अंदर के क्लासरूम देख सकते हैं आप, शायद लॉक होंगे ये, ओके यू कैन सी हियर बेंचेस ऑल्सो, इस तरह के बेंचेस है, स्टेनलेस स्टील में बना हुआ, एकदम डिसिप्लिन, बहुत ही बेस्ट। एंड यहाँ का फीस भी मीडियम है, कुछ ज़्यादा नहीं, बस एवरीवन कैन अफोर्ड। ये इस तरह का फुल ब्लॉक ओके, यहाँ पर गार्डन अभी फ़िलहाल थोड़ा कटिंग नहीं किया गया ग्रास को, नहीं तो ये भी मस्त है, एंड इनके लिए तो जन्नत है ये, आओ ये था कुछ जो अपने कॉलेज के बारे में बताया था, कैसा लगा वीडियो जरूर बताएगा, एंड जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, इंडिया में कहीं पे भी आप देखिएगा ये वीडियो, आप देख सकते हैं।
बहुत ही मतलब ये कॉलेज के बारे में आप जान सकते हैं, इनसाइड का कैंपस कैसा है वहाँ का, तो एडमिशन करते वक्त बहुत सारे लोगों को हेल्प हो सकता है मे बी। देखिएगा स्पेशली अभी फ़िलहाल जो मार्केट में चल रहा है सीएस ब्रांच अच्छा चल रहा है, सिविल ब्रांच जो है इट्स लाइक आज़ादी, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप इन बिटवीन में फेल हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। एंड हमारा ऑफिस यहाँ पर रैंप बनाया जा रहा है, शायद कुछ तो होगा मे बी। ऊपर लाइब्रेरी है फर्स्ट फ्लोर पे, एक ही वीडियो में मैं इतना तो नहीं बता सकता हूँ, बट फिर भी देखिएगा अभी फ़िलहाल लॉक है वो। ऊपर लाइब्रेरी है, वहाँ पे बहुत सारे बुक्स है एंड फैन है, एसी नहीं है फैन है, तो बहुत ही अच्छा है, एकदम कूल साइलेंट प्लेस। इधर ऑफिस है, हमारे प्रिंसिपल साहब रहते हैं इधर, अशोक सर, डॉक्टर अशोक सर। यहाँ पर अंदर इस तरह का ओके ठीक है दोस्तों। अरे यार शायद चेंज हो गए, डॉक्टर रविंद्र वी एकलारकर हो गए हमारे प्रिंसिपल साहब अब, वो पहले इसके एचओडी थे, ईसी ब्रांच के एचओडी थे, अभी रविंद्र एकलारकर हो गए हमारे कॉलेज का प्रिंसिपल, एमटेक इन पीएचडी, कंग्रेचुलेशन सर। एंड यहाँ पर देख सकते हैं लैंड डोनेटेड बाय श्रीमती पन्ना बाई इन दी मेमोरी ऑफ लेट श्री करोड़ीमल गुप्ता, श्री करोड़ीमल गुप्ता रेसिडेंट ऑफ बीदर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ऑफ गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर, एस के स्टोन्स। तो इन्होंने जो है लैंड डोनेट किया ऐसा कुछ है, ओके थैंक यू सो मच इनको भी। देखिएगा जब आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो आज तक आपको दुनिया याद रखेगा, अगर ये स्टोन नहीं रहता तो मालूम नहीं रहता था, तो यादगार रहेगा। थोड़ा बहुत कुछ मैं आपको कुछ अलग प्लेस दिखाना चाहता हूँ, देखिएगा तो फास्ट वे में मैं आपको कैंटीन भी दिखाना चाहता हूँ, वहाँ का सीलिंग किस तरह से बनाया गया, सीलिंग भी बहुत अच्छा है सिंपल। यहाँ से फुल ट्रैक उधर स्टेडियम, स्टेडियम यानी कि उस नाम है जोगा सिंह जी स्टेडियम। यहाँ पर देखिए आपको रनिंग है, आप क्रेजी है कुछ स्पोर्ट्स के बारे में तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये, जितना भी आप देख रहे हैं ना पूरा फुल बहुत ही बढ़िया सा है। वहाँ पर आप डेली रनिंग करिए, फुटबॉल कर सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं। एंड एक बाहर का टॉयलेट रूम और फिर यहाँ पर कैंटीन, ये अभी फ़िलहाल लॉक है बट अच्छा है, मीडियम खाना मिलता है वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह का। ओके थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच इस कॉलेज को जो हमें पढ़ाएगा, हमारे लेक्चर्स को, जितने भी मुझे पढ़ाएगा या फिर हमारे बैच को पढ़ाएगा या फिर जितने भी बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं सभी लेक्चर को बहुत बहुत धन्यवाद। आरसीसी लेक्चर, सब्जेक्ट के लेक्चर या फिर स्ट्रक्चरल एनालिसिस, डीएसएसआर, इरिगेशन, इरिगेशन डिज़ाइन ड्राइंग और हमारे मैथ्स के लेक्चर्स, और एक रिक्वेस्ट है सभी, अगर लेक्चर्स लोग देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ मार्क दीजिएगा, स्पेशली इन जो स्पेशली मार्क्स लाइक इन इंटरनल, एक रिक्वेस्ट है अगर आप गुरु नानक कॉलेज का लेक्चर देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ मार्क्स दीजिए, ये आपके मार्क्स इन फ्यूचर में एक बच्चे का एक उज्जवल भविष्य कर देगा। प्लीज़ मिनिमम जो रिक्वायरमेंट हो दीजिए 35 वहाँ पे लेके इधर 15 लिए तो पास हो सकते हैं। अभी मेरे टाइम में ऐसा था, अभी चेंज हो गया शायद रूल्स, और मैं भी फेस किया हूँ इस टाइप के प्रॉब्लम स्पेशली इन M2, तो उसका दर्द अभी मेरे पास है इस सीने में।
आई रिक्वेस्ट सभी लेक्चर से प्लीज़ मार्क दीजिए बच्चों को, उनका भविष्य आपके हाथ में है। दैट्स ऑल, सभी लेक्चर्स को दिल से थैंक यू।